तो गाइस आरसी में लग चुकी है। आगे करो भैया, आगे करो, आराम से करो, थोड़ा धीरे। ये क्या हो गया, एग्जॉस्ट घुस गया है थोड़ा सा अंदर। तुम तो इससे पहले आए थे, तुमने क्यों नहीं डलाया? अरे यार जल्द क्या हो रहा है ये। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दिस इज योर जीनियर राइडर। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं जॉर्डन एवरेस्ट की तरफ, और उससे पहले हमें जाना है KTM के शोरूम। तो इसको ठीक कर भाई। तो अभी हमें पहले जाना है सुब्बू के यहाँ। तो आज बारिश में होने वाली राइड हमारी, क्योंकि घर से निकलते साथ बारिश हो चुकी है। GoPro को फुल वाटर प्रूफ बना दिया गया है, बट जब मैं ब्लॉग कर रहा हूँ ना, तो मेरे वाइजर में ना कॉस जम रही है, मतलब बोलते टाइम ना, अगर मैं बोलूँगा नहीं तो नहीं जमेगी, बट बोलना तो पड़ेगा ही वीडियो में, वरना कैसे बनेगा व्लॉग। अब दिक्कत ये है कि मैं वाइज़र खोलूँगा अपना, उसका हट जाएगी कि ऑस, बट माइक में पानी घुस जाएगा, तो ये दिक्कत है। बाकी रेनी व्लॉग स्टार्ट हो चुकी है, आज से स्टार्ट है, ठीक है। भीगते तो अब मैं रोज ही हूँ, थोड़ा लेंस को बार बार साफ़ करते रहना पड़ेगा। अब GoPro भी ओरिजिनल पूरा वाटर प्रूफ नहीं है, बाय द वे आप लोगों को बता दूँ, मैंने जुगाड़ करके पन्नी बुन्नी लगा रखी है। वैसे GoPro तो चल जाता है, ऐसा नहीं है, बट एडेप्टर और माइक में दिक्कत आती है। तो वाटरप्रूफ तो जितना हो सके मैंने उतना कर दिया है। बाकी अपनी ड्यूक का पीछे वाला डिस्क पैड वो है, वो ख़त्म हो चुका है, तो हमें डिस्क पैड डलाना है आज, और उसके बाद हम राइड कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले मुझे सुब्बू को उठाना है, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं KTM के शोरूम निकलते हैं, ठीक है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मैं सुब्बू को उठा के सीधा KTM के शोरूम में मिलता हूँ गाइस आप लोगों को। सो गाइज आ चुके हम KTM के शोरूम, एंड सुब्बू मेरे पीछे, बाकी आकाश भाई अपने आगे, और हमने अपनी गाड़ी में क्या बोलते हैं डिस्पैड लगा दिया है। बाकी अभी चेक नहीं किया, जूते कितने गंदे फिसल रहे हैं यार, ऑयल लेना है, इधर ऑयल है नहीं, चेक जूते फिसल रहे मेरे। अरे यार पैर फिसल रहा मेरा। ठंडी हो गई ड्यूक गाइज अपनी। बाकी आकाश भाई ने अपनी गाड़ी में एग्जॉस्ट लगा दिया है, डी कैट लगाया उन्होंने, ठीक है। डी कैट क्या होता है कि कैथलेटिक हट जाता है और बेंड पाइप आता है सीधा, और एग्जॉस्ट जो उन्होंने लगाया वो KTM ड्यूक 390 का ओरिजिनल एग्जॉस्ट विद डीवी कलर हट रखा है उसका। तो KTM RC 200 में BS4 वाला 390 का एग्जॉस्ट लगा है, वो भी डी कैट। तो आगे चल रही है अपनी RC, एंड भागे हमें वो मिलेगा अपना क्या बोलते हैं मयंक। तो हम पहुंच चुके हैं राजपुर रोड कुछ इस प्रकार से, आगे हमें मयंक मिलने वाला है गाइस। सो गाइस हम ये मयंक के पास जाने वाले हैं, रास्ते मुझे पता नहीं वो कहां खड़ा हो रखा है। वो गधे को मैंने बोला भी था कि KTM के शोरूम ही आ जा डायरेक्ट, बट नहीं, महाराज को नाश्ता करेगा फिर आएंगे। थोड़ा ना कैमरे वैमरे भी लगे हुए, इसलिए आराम आराम से चले गए। ओए उसको बोल दे कैमरे वैमरे भी लगे हुए हैं, आराम से चलना 50 की स्पीड में। सो गाइस वो रहा मयंक एंड भाई की RC, और ये रही अपनी लूसी। बाकी मयंक की ड्यूकी वहाँ खड़ी है, ड्यूकी नहीं डक डक। तो चलो चला जाए। सो गाइस मयंक भी आ रहा है, बाकी मेरे को लूसी में तेल डलाने की अभी ज़रूरत तो नहीं है, अगर लगेगी तो डला देंगे, बाकी देख लेंगे जैसा भी होगा, है ना। तो चलो चला जाए, एंड अभी का ये सीन है मयंक वो आ रहा है अपने पीछे। आ रहा है वो, चलो गाइस हैज़ार्ड ऑन कर देते हैं अपने आगे के, हमारे पीछे तो इंडिकेटर ही नहीं है, तो आगे के ऑन कर लेते हैं, आगे से गाड़ी देख आएगी तो हम फोड़े गए। ओ मैंग ने अपनी गाड़ी ब्लैक भी करा दिया है, बाकी इस चीज़ को तो मैं भूल गया था, मैंग ने अपनी गाड़ी ब्लैक करा दिया। कैमरे में ना हाथ मारते रहना पड़ेगा, नहीं तो बोले तो पानी घुस जाएगा। बट आज तो सभी रेनकोट पहन के आ रहे हैं, अरे पेड़ों के बीच से ना बूंदें टपक रही ना, मस्त खोपड़े में लग रही है यार ये मैंग की टेल टाइडी से किचड़ आ रहा है इधर। तो अपने पीछे वाले ब्रेक भी टेस्ट कर लेते हैं, अभी बिल्कुल नहीं लग रहे। अबे साला पानी उड़ा के चले गया, अबे देख दे जो कैसे जा रहा।
पानी उड़ा के चलेगा साला, कैमरे में आ गया साला पानी। सो गाइस आ चुके हम पेट्रोल पंप, ये लोग पेट्रोल डला रहे, उसके बाद हम निकलेंगे। सो गाइस आरसी में लग चुकी है, आगे करो भैया आगे करो, आराम से करो, थोड़ा धीरे। ए बहन चोत, ये क्या हो गया, एग्जॉस्ट घुस गया है थोड़ा सा अंदर, अब उसने ठोक दिया। तुम तो इससे पहले आए थे, तुमने क्यों नहीं डलाया? सो गाइज आप लोग देख सकते हो इस लड़की ने पेट्रोल डाल दिया था, फिर हमारे पास भागते भागते बाद में आती है कि मैंने पेट्रोल नहीं डाला, रुक जाओ। शायद इसने हमारा कैमरा देख लिया था, उसके बाद इसने वहाँ पर एक्टिंग भी करी, मुझे लग रहा कि इसने पता क्या करी, पेट्रोल पंप पे काम करती थी, इसने मौका देखा कि थार ने हमें ठोका और हम लोग दूसरी मैम से बात करने लग गए, इसने पेट्रोल डाला गाड़ी पे ऐसे करके ना, वो फिर उसने मुंडी करके ऊपर कैमरा देख लिया था, आंखों में दिख गया था उसके कि कैमरा देख लिया उसने। उसके बाद जब हम लोग जाने लगे ना, तो हमारे पास भागते भागते आई, बोल रही कि मैंने पेट्रोल नहीं डाला। तो आगे की क्लिप देखो, आप लोग खुद ही समझ जाओगे सब कि पेट्रोल पंप वाले भी हरामी है, मतलब मौके का फ़ायदा उठा रहे थे। वो थार वाले ने हमें ठोका, हम दूसरी लड़की से बात कर रहे थे कि ऐसा ऐसा कौन है क्या है वो, सब सब किस जितने भी राइडर्स थे हमारे, और आरसी का टैंक का ढक्कन तो खुला ही था, वो लड़की पेट्रोल डाल रही है, बस एक नज़र रही थी मेरी कि हाँ डाल रही है, बट आकाश भाई जिनकी आरसी 200 थी वो भी मुझे बोल रहे थे कि उसने नहीं डाला, बट ये क्लिप चेक मारो आप लोग। चलो आगे डला लेंगे, डलवा दिया, डलवा दिया, मना कर रही हो तो डाला नहीं उसने, डाला नहीं ना उसने, तुमने पैसे दे दिए, अरे यार जल क्या हो रहा है ये, अरे छोड़ो छोड़ो जल्दी जल्दी करो आकाश भाई छोड़ो, जब एक थार वाला चूतिया चंडीगढ़ का था, नंबर तो आपने देख लिया, आरसी का पीछे ठोक दिया, ये देखो ये भी कैसे चल रहा है हरियाणा का। सो गाइज आप लोग खुद ही समझ गए होंगे, मैंने एकदम अच्छे से आप लोगों को समझाया, क्लिप दिख गई साफ, सबको पता लग रहा है, ठीक है। बहुत सारे होते लोग कि नहीं डालते वीडियो, बट हम तो डालेंगे भाई, इतनी दूर हम लोग गए, हमारी गाड़ी का तुमने नुकसान किया, हमने कुछ भी नहीं बोला, और अब वीडियो बन चुकी है तो वो तो जाएगी जाएगी। एंड ये गलती भी पेट्रोल पंप वाले की थी कि उसने पेट्रोल डाला और फिर ऐसे पता नहीं क्या बकेड़ा गया, उसका तो मुझे कुछ लेने उससे मुझे मतलब नहीं, बट ये जो थार वाले ने किया वो गलत था। देखो गाइस अगर मेरे बाहर से जो स्टेट देख रहे हैं ना, चंडीगढ़ हरियाणा दिल्ली जो भी यहाँ से भी देख रहे हो, जब भी आप लोग उत्तराखंड में आते ना, तो प्लीज़ थोड़ा ना पेशेंस रखा करो, मैंने बहुत लोग देखे यार हरियाणा के और बाहर वार के ना, मतलब गुस्सा वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, हल्का सा कुछ हो ना जाए बस लड़ाई बंदूक निकाल देंगे मार देंगे, अरे यहाँ नहीं होता ऐसा कुछ, यहाँ सब लोग पीस, उत्तराखंड में पीस है शांति है बस, ये सब नहीं पसंद यार ड्रामा, ऐसा मूड ख़राब होता ना उस टाइम राइड पे। बाकी होप्स आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, यार मैं बहुत दिनों से व्लॉग नहीं डाल रहा हूँ मुझे पता है, क्योंकि मेरा कॉलेज चल रहा है। बाकी यहाँ देखो कपड़े वपड़े सब गीले हो रहे, यहाँ पर मेरी बहन की कॉलेज के कपड़े बड़े हुए उसके भी गीले हो गए थे, वो भी कॉलेज से कल आई थी, तो मेरे तो सूखे ही है। बाकी चले गए क्योंकि हम रेनकोट पहन के जाते हैं। बाकी यार ब्लॉग ऐसी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करना, जितना शेयर हो सके उतना कर दो। देहरादून में देख रहे हो ना मसूरी की तरफ ही पड़ता है पेट्रोल पंप, और जी हाँ इस पेट्रोल पंप में ना हमेशा स्कैम होते होते रहता है हमारे साथ, वो तो लक अच्छा था कि हमारा कैमरा ऑन था, वरना तो हो गया था। पता बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि पेट्रोल पंप ने हमारे मेरे साथ भी स्कैम किया, बट मैंने फिर भी नहीं डाला, बट ये वाला ना साफ साफ दिख रहा था भाई। और इस टाइम ना मैं भी मेरे सारे राइडर दोस्त भी थोड़े थोड़े गुस्से में है, तो अगर हमने तो कुछ गलत वलत किसी को कुछ बोला नहीं है, बट लिटरली इतना मूड खराब हो गया था। चलो छोड़ो इस चीज़ को यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन 20 मिनट्स में सारे कमेंट करता हूं, लव यू ऑल, कीप स्टडी, कीप गोइंग, दिस इज योर डीएनए राइडर साइनिंग, बाय बाय।